रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब लोगों की जेब पर भी पड़ने लगा। खंडवा में सोयाबीन के तेल के भाव 7 दिन में 40 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं और वो 170 तक पहुंच गया है। बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के पहले सोयाबीन तेल का भाव 130 से 140 रुपए प्रति लीटर था। दरअसल यूक्रेन से भारत में सनफ्लावर तेल आता है, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तेल आना बंद हो गया, जिसके बाद लोगों ने सोयाबीन का तेल लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सोयाबीन के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन अटैक का असर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सोयाबीन के तेल के दाम है वो पिछले करीब 6 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 6 दिन की बात अगर मैं करूं तो करीब 40 से 41 रुपए सोयाबीन के तेल की वृद्धि हुई है। ये किस लिए हुई है और यूक्रेन और रूस के हमले का तेल पे क्या असर है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खंडवा के तेल के व्यापारी हैं। अनिल जी, सर ये जो सोयाबीन के तेल के दाम में जो बार बार बढ़ रहा है, क्या वजह है इसके लिए? यूक्रेन से सनफ्लावर तेल आता था जो कि युद्ध के कारण बंद हो गया है, उसका आयात बंद होने से पूरा लोड सोयाबीन तेल पर आ गया है। इसके कारण ये अप्रत्याशित तेजी आई है, जिससे फिलहाल अभी रात की उम्मीद नहीं दिख रही है। अच्छा, वैसे पॉम ऑयल तक में वहाँ जो आता नहीं है यूक्रेन से, तो फिर भाव बढ़ने के क्या कारण है? मलेशिया में जो पॉम ऑयल आता है मलेशिया से, उसमें काफ़ी वहाँ पर तेजी आई है, उसके कारण उन्होंने काफ़ी रेट बढ़ा दिए हैं। लाइफ टाइम यहीं पर चल रहा है वह पॉम तेल, वह अभी वर्तमान में सोया तेल से भी ऊपर हो चुका है। तो जब तक के यूक्रेन के युद्ध थमने की गुंजाइश नहीं लगती है, तब तक के तेल के भाव में लगातार गुंजाइश देखने को मिलेंगी। इमरान खान, न्यूज़ 24, खंडवा।